फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीता सिंह हाजिर हूँ एक नवरात्रि स्पेशल कैरेट केक की रेसिपी लेकर। ये सबको बहुत पसंद आएगा और हम सभी इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये केक व्रत की सामग्री से मैं बनाऊंगी। इसे बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत होगी वो है ये सब। एक कटोरी सिंगाड़े का आटा चाहिए, हाफ कप के कद्दूकस की हुई कैरेट चाहिए, 3/4 कप घी चाहिए, पिंच ऑफ इलायची का पाउडर चाहिए, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम चाहिए, और साथ में हमें आधी कटोरी मलाई, आधी कटोरी दही और एक बड़ी कटोरी पिसी हुई चीनी चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो थोड़ा सा दूध भी लग सकता है। बाउल लेंगे। मैंने सिंगाड़े के आटे को और चीनी को पहले ही छान लिया है। सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे, फिर उसमें हम बड़ी कटोरी जो चीनी ली है उसे डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। चीनी और दही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। ये हाफ कटोरी मलाई है जिसको मैंने पहले बीट किया हुआ है, ढंग से मिक्स किया हुआ है, और इसे भी हम इसमें मिक्स करेंगे। हमने जो 3/4 कप घी लिया है उसे डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। जब ये तीनों चारों चीज़ें लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएं, तो हम इसमें अपना सिंगाड़े का आटा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सिंगाड़े का आटा और हाफ कप जो हमने कैरेट कद्दूकस किया हुआ है उसे मिक्स करेंगे, और साथ में ही ये किशमिश में डालेंगे। मिक्स करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये पीसी हुई ग्रीन इलायची है उसका भी मिक्सचर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसमें हम वनीला एसेंस नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये केक व्रत वाला केक बन रहा है। ये मेरा केक मोल्ड है जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। अब इसमें मैं इसे डालूंगी। और इसे पैक कर दूँगी जिससे इसके एयर बबल सब बंद हो जाए, और ऊपर से डेकोरेट के लिए थोड़े से बादाम भी डालूंगी और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी जिससे ये देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं अपने इस केक को अपने माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे रखूंगी। इस जो कि मैंने पहले ही प्रीहीट किया हुआ है। अब अपने माइक्रोवेव कन्वेक्शन को मैं 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए रखूंगी। ये जो मैंने अपना कैरेट केक व्रत के लिए बनाया है वो 20 या 25 मिनट में बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप 20 मिनट के बाद अपने कैरेट केक को चेक कर लें, क्योंकि हर माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग अलग होता है। केक बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे खोलते हैं। वाओ, देखो इसका कलर बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये व्रत वाला केक, अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्ड करने के लिए हम वही पुराना प्रोसीजर, एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। वाओ, ये बनके एकदम तैयार है कैरेट केक, जिसे हम व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने व्रत के ही सामग्री से बनाया है। अब हम इसको कट करते हैं। ये देखो ये कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है, और ये बहुत हेल्दी भी है। जिसको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।